हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवांस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस परभनी से हूँ और हम विंग स्केल के स्पेयर पार्ट और विंग स्केल में होलसेल एंड रिटेल दोनों में ही डील करते हैं। और उसी में हमने एक प्रोडक्ट लाया है, अभी नया एक पीसीबी डेवलपमेंट हो गया है जिसमें पीसीबी भी अच्छा है, प्राइसिंग भी अच्छा है, स्टेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, सभी सारी चीज़ें आपको एक ही पीसीबी में मिल जाएगी जी। आपको पहले क्या करना पड़ता था कि 4 वोल्ट वाला अलग पीसीबी रहता था, 6 वोल्ट वाला अलग पीसीबी रहता था। ये देखिए, ये भी पीसीबी अवेलेबल रहता है हमारे पास 4 वोल्ट वाला, ये भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका भी। लेकिन अभी हमने एक नया पीसीबी लाया है, ये वाला, ये दिखने में छोटा है लेकिन बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसका। स्टेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी और बैटरी बैकअप भी बहुत बढ़िया है, कम से कम 15 से 18 घंटे तक इसका बैटरी बैकअप है 6 वोल्ट में, 4 वोल्ट में भी उतना ही बैकअप है दोस्तों। इसमें 4 वोल्ट में और 6 वोल्ट में अलग अलग कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें ऑलरेडी एक इधर ये दिया है, जम्पर दिया है, ये अगर आप शॉर्ट करते हैं तो ये 4 वोल्ट में चलेगा, अगर आप ओपन रखते हैं तो ये 6 वोल्ट में चलेगा। और इसका TDM12P जैसा पीसीबी चलता है वैसा ही प्रोग्राम है, तो ये पीसीबी है तो सबसे बढ़िया क्वालिटी का पीसीबी है। स्टेबिलिटी में, रिपीटेबिलिटी में, जो ऐसे पीसीबी रहते हैं ज़्यादा कंपोनेंट वाले, जैसे जिसमें स्टेबिलिटी रिपीटेबिलिटी जितनी नहीं मिलेगी उतनी इसमें मिलेगी आपको। और इसका प्राइसिंग भी बहुत बढ़िया है दोस्तों, जिस जिसको रिक्वायरमेंट है तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मेरे व्हाट्सअप ही कीजिए क्योंकि कॉल बहुत आते हैं, कॉल में बहुत परेशान हो जाते हैं हम, व्हाट्सअप कीजिए। स्टेबिलिटी रिपीटेबिलिटी में बहुत बढ़िया कार्ड है और रेट प्राइसिंग में भी बहुत बढ़िया है, माउंट करने के लिए भी अच्छा है। किसी को हैंगिंग स्केल में वगैरह लगता है कि हैंगिंग स्केल में जगह कम रहती है, उस जगह पे कैसा माउंट करें, तो ये उस जगह पे माउंट भी हो जाएगा दोस्तों, हैंगिंग स्केल में हो जाएगा। 4 वोल्ट स्केल, छोटे छोटे स्केल अभी बन रहे हैं उसमें सभी जगह पे, बड़े स्केल में भी यूज़ हो जाएगा दोस्तों, छोटे स्केल में भी यूज़ हो जाएगा। 2-in-1 कार्ड है ये, और ये PTH कार्ड है दोस्तों, दोनों साइड से PTH है और इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। मैंने लगा के टेस्टिंग किया दोस्तों ऑफिस में, ये कम से कम 8 से 10 दिन तक चालू रहा है, उसके बाद ही रिजल्ट लेके ही हमने इसका सेल आउट चालू किया है। तो प्लीज़ जो जो मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर है या रिपेयरर है, सब लोगों को जिस जिस को ज़रूरत है प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक भी करें।